पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आपने बहुत ही अच्छा बिल दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव भी मैं आपको देना चाहूंगी। सर, जो हीनियस क्राइम में जो आपने एज को कम किया है, 16 से 18 किया है, लेकिन जो इसी एज में बच्चों के हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं और जो बच्चे मानसिक रूप से रोगों से ग्रसित हैं, जो ऐसे क्राइम करते हैं, उनके लिए इसके बिल में क्या प्रावधान है, मैं माननीय मंत्री जी से इसके ऊपर उनके सुझाव जानना चाहूँगी। दूसरी बात यह है कि इस बिल में रजिस्ट्रेशन, इस बिल के सेक्शन 26 के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देश के प्रत्येक ज़िले में सर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे पदों की नियुक्ति राज्य सरकारों के अधीन होती है, जो PCS द्वारा होती है, जिनकी जिम्मेदारी चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट से संबंधित होती है। जब जिले में CDPO की नियुक्ति बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही होती है, तो उन परिस्थितियों में जिले के जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाना उचित नहीं है। यहाँ पर वह DM के अधीन ही रहता है और सारी प्रक्रिया को DM को रिपोर्ट भी करता है। इन परिस्थितियों में CDPO की जिम्मेदारी की वृद्धि करना ज़्यादा सुसंगत होगा। सर, इस बिल में एडॉप्शन का जो प्रावधान है, इसको सरल किया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को और भी सरल करते हुए 6 महीने या और ज़्यादा करना करके बल्कि 2 महीनों के अंदर इस प्रोसेस को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए, ताकि एडॉप्शन का प्रोसेस और सिंपल हो सके और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मेरा अनुरोध है सर कि इस कमेटी में इस संदर्भ में जो कमेटी का प्रावधान बनाया गया है, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों के विकास और अधिकार व उनकी प्रकृति के बारे में जितना एक महिला जानेगी, उतना एक पुरुष या जो ग्रेजुएट्स या जो पढ़े लिखे जितने आपने इस कमेटी में मेंबर्स को ऐड किया है, तो मैं चाहूँगी कि इस कमेटी में कम से कम 50% भागीदारी जो है महिलाओं को दी जाए, और वहाँ इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी सदस्यता या कुछ वो दिया जाए, जिससे सांसद और विधायक को भी इसमें उसकी भागीदारी मिले और वो उसको वो संचालित करने में उसकी मदद कर सके। हो गया, रह गया कुछ सर? बस आखिरी पॉइंट सर जी, मैं आया सर सरकार का ध्यान बाल सुधार केंद्रों की तरफ भी ले जाना चाहूँगी, जहाँ की दशा बहुत ही दयनीय है, खान पान रख रखाव आदि बहुत ही दयनीय हालत में है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगी कि बाल सुधार केंद्रों की खान पान और गुणवत्ता बढ़ाने में जो भी वो उनके उपाय हैं, उसको थोड़ा और सुसज्जित करें। और इन्हीं सब चंद पॉइंट्स के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगी कि हम जो पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, उनको वो अमेंडमेंट्स में जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।